हेलो। हेलो उमंग, क्या हो गया? आज तुमने पूरे दिन ना कॉल किया ना मैसेज किया, क्या हो गया? आज के बाद ना कॉल आएगा ना मैसेज, और तुम पूछ रहे हो क्या हो गया। छोड़ो, कोई बात नहीं है ना। आज के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा ना मैसेज करूँगा, भूल जाना कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी आया भी था। क्यों उमंग, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना कॉल करोगे ना मैसेज करोगे, क्या बात हो गई? तुम्हें नहीं पता क्या बात हो गई? हाँ, तुम्हें क्यों पता होगी, तुम्हें तो कुछ जानना ही नहीं है। तुम्हें तो अनजान रहना है ना, अनजान बनना है तुम्हें तो। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है हुआ क्या है ना। उमंग, तुम मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं पता, सच में बताओ ना, क्या बात है? कुछ मन में चल रहा था तो मुझे बता सकते हो? मन में कुछ नहीं चल रहा, तुम्हारा चल रहा है कॉलेज में, ठीक है ना। और सारी बातें जान चुका हूँ मैं यार, सारी एक एक तुम्हारी जो घिनौनियत है ना वो मेरे आंखों के सामने आ चुकी है यार। इतना प्यार करने के बाद तुमने जो मेरे साथ किया है ना, कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कभी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था इतना नीचे गिरी आओगी यार तुम। कल तक इग्नोर करती थी, कोई बात नहीं, टाइम नहीं देती थी, कोई बात नहीं, बट ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा नीचे गिरी आओगी यार तुम। उमंग तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या समझ रहे हो? मैं कितना नीचे गिर जाऊंगी? मैंने क्या किया है ऐसा? अभी भी सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ अंधेरे में रखना चाह रही हो। अभी भी मुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हें थोड़ा भी रियलाइज़ नहीं है कि मुझे सब सच पता चल गया, सच बोल दूँ। लेकिन नहीं, अभी भी झूठ पे झूठ बोलने हैं तुम्हें, शरीफ बनना है जैसे कुछ किया ही नहीं हो तुमने, है ना। उमंग पहले 1 मिनट रुको, तुम पहले ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो यार? तुम ये पहले ये बताओ रो क्यों रहे हो? आखिरकार मैंने किया क्या है? मैंने कौन से अंधेरे में तुम्हें रखा है? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है यार। एक बात बता दो, क्या कमी रह गई थी आखिर मेरे प्यार में यार, क्या कमी रह गई थी जो ऐसा गलत कदम उठाया तुमने, ऐसा काम किया? कोई कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ये सब बातें बोलने से पहले एक बार ये तो बता दो कि मैंने किया क्या है, कि मेरा कसूर क्या है? तुम फालतू में ये सब बातें किए चले जा रहे हो उमंग, बताओ तो सही कि हुआ क्या है? फालतू में रोहित के बारे में, तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है मुझे। जो जो तुमने रोहित के साथ किया है, जो कर रही हो, सब पता चल चुका है मुझे यार। क्या किया है मैंने रोहित के साथ? रोहित तो तुम रिलेशनशिप में हो, कॉलेज में, सब पता चल चुका है मुझे। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि ये सब झूठ है ये वो, प्लीज़। तुम पागल हो क्या? तुमसे किसने बोला कि हम दोनों रिलेशनशिप में? वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, सिर्फ वो सिर्फ फ्रेंड है वो। वो फ्रेंड है इसीलिए, इसलिए कभी तुमने कॉलेज में हम दोनों के रिलेशन में बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज पहले से एक रिलेशन है, दूसरे रिलेशन के बारे में कैसे बता दोगी यार। रोहित के साथ तुम्हारा रिलेशन है, तभी तो तुमने कॉलेज में रोहित को किसी को भी हम दोनों के बारे में नहीं बताया। अगर तुम इतनी सही होती ना तो रोहित से जाके कहती कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन नहीं कही। क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो यार, उसके साथ और रिलेशन में। थोड़ी तो शर्म कर लेते, इतना प्यार करता था मैं, थोड़ी तो यार कर लेते शर्म यार। जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम यार ऐसे कैसे बोल सकते हो? यार मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उस रोहित के साथ क्यों रिलेशनशिप में आऊंगी? तुम्हें दिमाग में बात आई भी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ भी कैसे गई कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ? मेरे दिमाग में आई नहीं है, जो सच है ना वही कह रहा हूँ। अब तो तुम बोलोगी ये सब झूठ है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे, है ना, तो मैंने गलत समझ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हूँ। हुई है तुम्हें? तुम झूठ बोल रहे हो यार, ये झूठ है। जिसने भी तुम्हें बताया तुमसे झूठ बोला यार, ये भी तो समझो। ओह वेरी गुड, कॉल तुम्हारे बिजी जाना, मुझे इग्नोर करना, मुझे टाइम ना देना, मेरी बात ना सुनना, कॉलेज में हमारे रिलेशन के बारे में ना बताना, ये सब भी झूठ है। उमंग इन सब चीज़ों के रीज़न मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा कॉल क्यों बिजी इन जाता है सब का बार बार, और सिर्फ मैं एक रीज़न स्टडी। था, इन सब का सिर्फ एक रीज़न था, वो रोहित जिसके साथ तुम रिलेशन में थी, बस। और कोई रीज़न नहीं था इन सब का। उमंग तुम क्या सोच रहे हो? ये कुछ सब कुछ झूठ है यार। तुम किसकी बातों पर विश्वास करके बैठी हो कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। कितने और झूठ बोलोगे कितने? अरे तुम तो यार किसी के भी लायक नहीं हो यार। इतना प्यार करने के बाद तुमने मेरे साथ ये किया, क्या कमी क्या रह गई थी यार? एक बात बता दो, क्या कमी रह गई थी? इतना प्यार करता था उसके बाद भी। छोड़ो यार, आज के बाद ना मैं तुम्हें कॉल करूँगा ना तुम मुझे कॉल करना, बस। पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिससे तुम्हें एक शर्मिंदा फील हो या फिर तुम्हें गिल्टी फील हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। रोहित से सिर्फ मेरा फ्रेंड है, मैं उससे एज अ फ्रेंड ही बात करती हूँ, एज अ फ्रेंड ही घूमती हूँ। एज अ फ्रेंड ही बात करती हो तो उसको हमारे रिलेशन के बारे में क्लियर क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है, उसके साथ भी तुम रिलेशन में हो। अगर ऐसी ही बात होती, एज अ फ्रेंड होता तो क्लियर करते उससे कि मैं पहले से ही रिलेशन में हूँ किसी और के साथ। उससे क्या तुमने कॉलेज में किसी से भी ये बात नहीं कही, किसी से भी? उमंग इस क्यों? बात का मैंने कोई रीजन तुम्हें रीज़न नहीं पहले है, ही बता दिया कोई था। वैलिड रीज़न नहीं है कि हंसी मजाक उड़ाएंगे। रोहित के साथ रिलेशन में तो हंसी मजाक नहीं उड़ा रहे वो, तब बातें नहीं हो रही कॉलेज में। तुमसे किसने बोला कि मैं रोहित के साथ रिलेशनशिप में हूँ? मैं रोहित के साथ रिलेशनशिप में हूँ ही नहीं यार। तुम ये क्या दिमाग में लेके बैठे हुए हो?
गलतफहमी कहाँ से आ गई तुम्हारे दिमाग में इतनी? ये गलतफहमी मेरे खिलाफ, ये गलतफहमी है, गलतफहमी है, ये गलतफहमी लेके घूम रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक बात बोलूँ, तुम मेरे तो क्या रोहित के भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम उसको भी एक तरीके से अंधेरे में ही रख रही हो हमारे रिलेशन छुपा के। और तुम रोहित के क्या यार, तुम तो पता नहीं किन किन को अंधेरे में रख रही हो, पता नहीं किस किस को। बोल किस तरीके से रहो यार, मुंह में किसी से बात भी नहीं करती फिर भी तुम किस किस के, मतलब बोलने का तरीका तो देखो तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। तुमने अभिषेक को भी अंधेरे में रखा, रोहित को भी अंधेरे में रखा, और मुझे भी। मम तुम ये क्या दिमाग में लेके बैठे हो कि मैंने रोहित को अंधेरे में रखा, अभिषेक को अंधेरे में रखा, तुमको भी अंधेरे में रखा, मैंने किसी को भी अंधेरे में नहीं रखा है यार। और एक बात ये बताओ कि अभिषेक है कौन, मैं किसी अभिषेक को जानती भी नहीं हूँ। ओ अभिषेक से अब तुम बोल दोगी कि एफबी पे तुम्हारी बात भी नहीं हुई प्रियंका बन के, तुमने उससे चैट भी नहीं की, आई लव यू वगैरह भी नहीं बोला अभिषेक से, है ना? उसको तो तुमने चैट की ही नहीं होगी, वो तो कोई और होगी प्रियंका, है ना? तुम तो थी नहीं, तुम्हारे नंबर से वो एफबी आईडी है, लेकिन तुम थोड़ी ना होगे जान, तुम थोड़ी होगे, तुमने कुछ थोड़ी किया होगा यार। तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने किसी से भी बात नहीं करी एफबी पे। और कितने झूठ बोलोगे यार, जब मैं तुमसे बार बार पूछा था ना कोई बात है, कोई बात है बता दो बता दो, तब मुझे पता चल चुकी थी तुम्हारी एफ बी आई डी के बारे में। जब मैंने तुम्हारे नंबर से सर्च किया तब मुझे मिली तुम्हारी एफ बी आई डी, जो तुम नंबर जो एयरटेल की सिम है तुमने कही मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, जब उसको यूज़ नहीं करती हो तो उस नंबर से एफ बी आई डी क्यों चालू है तुम्हारी? अब प्लीज़ ये बहाने मत बचा देना मेरी फ्रेंड की है या किसी की है या इसकी है उसकी है, मैंने उसको यूज़ करने के लिए दी थी, ये फालतू के एक्सक्यूजेज मत देना प्लीज़, क्योंकि तुम्हारा सच सामने आ चुका है प्लीज़। उमंग सच में वो मेरी फ्रेंड की आईडी, वो मेरी फ्रेंड यूज़ करती है, मैं उस आईडी को चलाती भी नहीं हूँ ना, मैंने उस आईडी से किसी से बात की है, तो मेरी बात का ट्रस्ट तो करो। ओ तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी आईडी की जरूरत पड़ेगी, क्यों कोई रीज़न है? अब इसका भी कोई ना कोई तो वैलिड रीज़न होगा तुम पे, है ना, कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारा नंबर से एक एफ बी आई डी क्यों बनाई, कोई रीज़न होगा इसका, है कोई रीज़न इसका? नहीं होगा इसका कोई रीज़न, होगा ही नहीं तुम्हारे पास यार। मुंग तुम दिमाग में क्या क्या सोच के बैठे हो मेरे बारे में, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच लोगे, इतना बुरा। यार मैंने भी कभी नहीं सोचा था तुम मुझे इस तरीके से धोखा दोगे, इस तरीके से चीट करोगे। धोखा नहीं दे रही हूँ मुंग, समझो मेरी बात को, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, इस तरीके से बुरी तरह मुझे तोड़ दोगे तुम, धोखा नहीं, तुम हद से ज्यादा चीट कर रही हो। मैं उमंग तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ, तो मेरी बात तो समझो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बस मैं पागलों की तरह यही समझता रहा अभी तक कि तुम मुझसे प्यार करती हो यार। चलो कोई बात नहीं, स्टडी में बिजी हो जाता है यार, वहाँ बाहर जाके दोस्तों में स्टडी में बिजी हो जाता है इंसान, लेकिन ये नहीं पता था यार कि वहाँ पे किसी और के साथ प्यार में बिजी हो यार। तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यहाँ पे इतने भरोसे से मैंने तुम वहाँ पे भेजा था कि कभी मेरे साथ तुम गलत नहीं करोगे, और तुमने क्या किया? तो मैंने तुम्हारा भरोसा कभी तोड़ा ही नहीं है, और कभी ना ही कभी तोड़ूंगी, आज भी तुम्हारा भरोसा उतना ही कायम है। और कितना झूठ बोलोगे यार, कम से कम अब तो देख लो कि सामने वाले को सच पता चल चुका है, अब तो सच बोल दूं, अब और कितना झूठ बोलोगे? सच पता चल गया है तुम्हें, तुम जो भी बोल रहे हो सब कुछ झूठ है, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे हो, क्या मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आएगा भी नहीं, है ना? रोहित के साथ तुम्हारा रिलेशन नहीं है, अभिषेक से तुमने बात नहीं की, आई लव यू नहीं बोले, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन नहीं है ना? मैंने ना अभिषेक से बात करी, ना ही मैं अभिषेक को जानती हूँ, ना ही रोहित से मेरा रिलेशनशिप में, रोहित सिर्फ मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है तो एक चीज बता दो उससे, क्यों क्लियर नहीं किया आज तक कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, है इस बात का कोई जवाब है? आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया कि हम मैं रिलेशनशिप में हूं। नहीं बताया, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास, कोई वैलिड रीजन कि सब हंसी उड़ाएंगे? ये कोई वैलिड रीजन नहीं होता है, वैलिड रीजन मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम उसके रिलेशन में हो, इसलिए तुमने आज तक नहीं बताया उसको। यार एक बात बोलूँ, हद से ज़्यादा तुमसे प्यार करता था, हद से ज़्यादा भरोसा करता था, जब ये पता चली ना मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम रियल में मेरे साथ ऐसा करोगी, सोच मैं भी कभी नहीं सोच सकती थी तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे। हाँ ठीक ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ, मतलब दूर स्टडी करने के लिए जा चुकी हूँ, हाँ थोड़ी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बात कम होगी, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा भी सोच सकते हो, इतना बुरा भला भी बोलोगे मुझे, कभी नहीं सोचा था मैंने। मैंने भी नहीं सोचा था मुझे चीट करोगी, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे चीट करोगी। उमंग तुम्हें जो भी जिसने भी बताया सब झूठ है, मेरी बात का ट्रस्ट सच क्या है? सच क्या है तुम्हारी बातें? सच क्या है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करती? सच क्या है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करती, मेरे मैसेज देख के रिप्लाई नहीं करती, किसी और के साथ कॉल पे बिजी रहती हो, हमारे रिलेशन के बारे में सबसे छुपाती हो? उमंग तुम्हें हर बात पता है, एक एक बात की क्या है कैसे है सब कुछ तुम्हें पता, उसके बाद भी तुम्हें नहीं पता था जान, लेकिन आज पता चल गया। एक बात बोलूं, तुम यार किसी के लायक नहीं हो, आज के बाद ना कभी मुझे कॉल करना, ना फिर तुम्हें कॉल करूंगा, ये सब यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं यहीं पे। अब तुम रोहित के साथ रहो, किसी के साथ भी रहो, ना मैं कभी देखूँगा, ना ही मुझे फ़र्क पड़ेगा कि तुम किसके साथ रह रही हो, खुश हो दुखी हो,
कभी तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। ये रिश्ता यहीं पे था जितना था, आज के बाद रिश्ता यहीं पे मैं करता हूँ खत्म। बाय। आज के बाद मुझे प्लीज कॉल वगैरह मत करना। मेरी बात तो सुनो।